उधर चुरू से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद राहुल कस्वा कह रहे हैं कि हम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, राजस्थान में इस बार ट्रेंड बदलेगा और कांग्रेस राजस्थान में खाता खोलेगी। तो आपको बताते चले कि बीजेपी को छोड़ते हुए राहुल कस्वा कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें चुरू से टिकट भी मिला है और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है राहुल कस्वा के चेहरे पर। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे और हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। राहुल जी कल ही कांग्रेस के परिवार में आए हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सदन में चुरू वासियों की आवाज को बुलंद किया है, अब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए बिल्कुल आश्वस्त हैं, बहुत कड़ी मेहनत है, एक लंबा सफर है, लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है, पिताश्री का भी लंबा सफर रहा और बहुत पहले शुरुआत करी थी और इतना लंबा क्षेत्र है चुरू जिला जो 340 किलोमीटर लोकसभा क्षेत्र हमारा आता है, हर गांव तक पहुंचे हैं दोनों पिताश्री भी और हमारी माता कमला जी भी और मैं एक सांसद के रूप में, हम तीनों ने मिलकर लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम किया और उससे हमारे आत्मीयता एक जुड़ाव लोकसभा परिवार के अंदर हुआ है हमारा। चूरू के अंदर हम जिताकर उनको दिल्ली अवश्य एक सांसद रूप में भेजा जाएगा। कारण क्या मानते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मौका क्यों नहीं दिया संसद में पहुंचने के लिए? देखिए आप लकीर, आप जानते हो आपसे अपनी अच्छी मित्रता भी रही है, मेरे कार्यशैली को, मेरे काम करने के तरीके को और हमारे परिवार के जो मानसिकता, जो हम सच्चाई ईमानदारी से पैशन के साथ में हम काम करते हैं, यही तो दुख था इस बात का कि कारण तो बताओ, वो कारण कभी सुनने को मिला ही नहीं। मैं पूछता ही रह गया पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय को भी कि कौन सा ऐसा पैरामीटर रहा जहां एक सांसद की जो भूमिका थी, एक सांसद की बात करूं क्योंकि मुझे पार्टी ने सांसद की जिम्मेदारी दी थी, वो ऐसा कौन सा पैरामीटर था जहां पे हम विफल रहे? क्या एक व्यक्ति के कारण आप मेरी टिकट काट रहे हैं या मुझे उस हक से कर रहे हैं? तो उनके पास कभी कोई जवाब ही नहीं था।